पहले बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि 2022 में आईपीएल में पहले की 8 टीमों की तुलना में दो और टीमें होंगी। पहले मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स आदि जैसे 8 टीमें थी और अब 2022 में 10 टीमें होंगी। दो शहरों के लिए बीसीसीआई ने 6 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया था, जैसे अहमदाबाद, लखनऊ, रांची, कटक, धर्मशाला और गुवाहाटी। टीमों को खरीदने के लिए प्रसिद्ध कंपनियों और व्यक्तियों का स्वागत है। दो नई टीमों के लिए बोली प्रक्रिया 25 अक्टूबर को दुबई में हुई थी। बोली में 9 दलों ने भाग लिया। पहले ऐसे अफवाहें थी कि रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी आईपीएल टीम के मालिक होने में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने बोली प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और अडानी ग्रुप ने भी दुबई में इसके लिए बोली लगाई थी। अंत में आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ टीम के लिए 7,090 करोड़ रुपए की विजयी बोली लगाई। आरपीएसजी समूह के पास पहले 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट का स्वामित्व था। अब वे लखनऊ टीम के मालिक है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ का स्टेडियम उनका होम बेस स्टेडियम होगा। संजीव गोयनका आरपीएसजी समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। अहमदाबाद टीम को सीवीसी कैपिटल ने हासिल किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद स्थित फ्रेंचाइज का होम बेस होगा। उन्होंने टीम के लिए 5,166 करोड़ रुपए का भुगतान किया। आरपीएसजी और सीवीसी को बीसीसीआई के हस्तक्षेप के बिना अपने खिलाड़ियों को चुनने की स्वतंत्रता होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और बोर्ड सचिव जय शाह ने आईपीएल में दो नई टीमों का स्वागत किया है।